भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र आणि अखिल भारतीय अल्पसंख्याक महासंघ यांच्या वतीने कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्र अभियान आणि निशुल्क कॅन्सर तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. या शिबिराचे आयोजन पनवेल तालुक्यातील मार्केट यार्ड येथील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात करण्यात आले असून याचे उद्घाटन मावळ लोकसभा निवडणूक प्रमुख आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते करण्यात आले. पनवेल तालुक्यातील मार्केट यार्ड येथील श्री रामशेठ ठाकूर सामाजिक विकास मंडळाच्या सभागृहात कॅन्सरमुक्त महाराष्ट्र अभियान आणि निशुल्क कॅन्सर तपासणी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी या शिबिराला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यावेळी उत्तर रायगड जिल्हा अध्यक्ष अविनाश कोळी, पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, संदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टीचे पनवेल तालुका अध्यक्ष अरुण शेठ भगत, पनवेल शहर अध्यक्ष अनिल भगत, पनवेल महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक नितीन पाटील, राजू सोनी, मदन पाटील, अमरीश मोकल, पनवेल महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका रुचिता लोंढे, दर्शना भोईर, भाजप व्यापारी प्रकोष्ठ संयोजन विनोद बाफना, भाजप पनवेल शहर कोष अध्यक्ष संजय जैन, पनवेल प्रकोष्ठ जैन संयोजन राकेश काठेड, शिव देवडा, दीपक समोता, जितेंद्र संचेती, संजय बाफना, राजेश बडाया, ललित चन्नालिया, मोतीलालजी जैन, नितीन मुनोत यांच्यासह इतर मान्यवर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. जैसा कि आपको विदित है कि बीजेपी के और जैन प्रकोष्ठ के हिसाब से आज हमारे यहाँ पर कैंसर डिटेक्टिव मशीन जो यहाँ पर आई हुई है और उसके अंदर आप सभी को इसमें अपने को डिटेक्ट कराने के लिए अपना नाम दिया हुआ है और उसके हिसाब से अपना यहाँ पर कार्यक्रम चलेगा और उस कार्यक्रम के अंदर अपना उद्देश्य एक ही है कि हमारा ये जैन समाज और हमारा ये पूरा संसार के हर व्यक्ति को, किसी भी कैंसर पीड़ित व्यक्ति को आगे तकलीफ न हो, उसको डिटेक्ट करने के लिए मशीन यहाँ पर लाई गई है. तो ऐसा मत समझिए कि हमें कैंसर है इसलिए हम डिटेक्ट करवा रहे हैं. हमें कैंसर नहीं है और ईश्वर नहीं चाह ऐसा चाहे कि आप किसी को भी कैंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं आवे. तो उसको ऐसा मत समझिए कि मशीन इसलिए आई है कि यहाँ पर डिटेक्ट करना है. तो अपने को भविष्य के अंदर ऐसी एक चेतावनी है कि यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसका इलाज कर सकें. एंड प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर. जैसा कि आप सबको मालूम है तो इस कारण ही आप यहाँ पे बलम यहाँ पर ये मशीन मंगाई गई है और साथ ही बीजेपी का, सभी मान्यगणों का और हमारे जैन प्रकोष्ठ का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद जिन्होंने हमें जैन समाज के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस दिया और सभी व्यक्तियों को इसे डिटेक्टिव मशीन के अंतर्गत यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सभी को मैं आज के इस अभियान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. सभी को का मतलब मंच पर विराजित हमारे सारे सहयोगी, सामने उपस्थित हमारे सारे सहयोगी. सही मायने में हम भारतीय कल और परसों देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने G20 का समिट का आयोजन दिल्ली में किया था और इसके ऊपर इसका बोध वाक्य था वसुधैव कुटुंबकम. वसुधैव कुटुंबकम यानी आज हर सृष्टि में हर कोई हमारा भाई है, हर कोई हमारी बहन है. इस भावना से हम हमारे हाथ की शक्ति का उपयोग करें तो मैं समझता हूँ कि हम सही मायने में पूरे विश्व में भारत की संस्कृति का परिचय हम एक दूसरे को दे सकते हैं. हम सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, हम सभी लोग आज पूरे देश को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और हम सभी लोग आज देश के विकास को भी बहुत ही बड़ी भांति यहाँ पर तेजी की रफ्तार से हम लोग होता हुआ देख रहे हैं. आज हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक इस देश का सुपुत्र के जिसने हमारी भारतीय संस्कृति का परिचय पूरी दुनिया को कराया है और उनके माध्यम से देश की ताकत दुनिया में बढ़ती हुई हम सारे लोग देख रहे हैं और ऐसे में उनका बोध वाक्य 2014 से लेकर रहा है सबका साथ सबका विकास. और ये सबका विकास करने के लिए सबके प्रयासों की आवश्यकता होती है. आज उन प्रयासों को हम होता हुआ देख रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल की और
जैन प्रकोष्ठ ने अपनी ओर से अपनी संकल्पना उसमें जोड़ दी। मैं पूछ रहा था यहाँ पर आदरणीय विकास जी से कि इतना बड़ा अभियान आप कैसे चला पाते, इस अभियान के लिए खर्चा काफी होता है। एक दिन अगर बस चलेगी तो उसके लिए हजारों रुपया खर्चा हो जाते, कम से कम 50,000 रुपया जब सारा तोल भाव के सब नाप तोल के हम लोग करेंगे तो कम से कम 50,000 खर्चा होता। उसमें ऑर्गेनाइजर को मैं उसमें 10-15% देना है, नहीं मेरे हिसाब से 7-8% देना है और बाकी सारी राशि ये प्रकोष्ठ के माध्यम से दी जाती है और जिसकी जांच होनी है उसको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता, चाहे मैमोग्राफी होने दीजिए उसके लिए 5,500-6,000 रुपया और अच्छे जगह पे जाओ तो 7-8,000 रुपया लग जाएगा और कोई भी टेस्ट ले लीजिए जो 2-4 हज़ार से कम कोई टेस्ट नहीं और ऐसी सारी टेस्ट पूरे दिन में कराते रहना, ये सही मायने में मानवता का काम है और ये मानवता का काम जैन प्रकोष्ठ कर रहा है। इसके लिए भी मैं विकास जी, विनोद जी और मंच पर और सामने बैठे हुए जैन प्रकोष्ठ के हमारे सारे सहयोगियों को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत इसके लिए मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट भाजपा और भाजपा जन प्रकोष्ठ के द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया गया कि कैंसर डिटेक्शन कैंप का जो आयोजन किया गया है तो जैन समाज समय समय पर हर चीज में आगे रहा है। कोई भी परिस्थिति आ जाती है जैन समाज हमेशा क्या रहता है, आगे रहता है। वो महामारी हो, आपदा हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, लेकिन हर समय जैन समाज आगे आकर के हर चीज में कंट्रीब्यूट करता ही रहता है। आज देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला हमारा जैन समाज, सबसे ज्यादा 30-35% टैक्स देने वाला हमारा जैन समाज बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कार्यों को संपादन कर रहा है। उसी सुंदर कार्यों की कड़ी में आज एक और नई परिकल्पना हमारे जंजीर के अंदर जुड़ गई है। ये कैंसर डिटेक्शन कैंप लोगों को फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाए, कैंसर का पता चल जाए और उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो सके और वो जड़ मूल से खत्म हो सके। यहाँ तक तो ठीक है मैं, लेकिन एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि सबसे पहला कारण ये कि कैंसर हो ही ना, कैंसर क्यों हो रहा है उसके मूल जड़ में हमें जाना चाहिए कि डॉक्टर हमें दवाई दे देगा, मेडिकेशन दे देगा, हमारा ऑपरेशन कर देगा, लेकिन फिर भी वो जड़ मूल से खत्म नहीं होता है। तो आज कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति टाइम पर नहीं सोता है। जो रात्रि का 11 बजे से लेकर के रात्रि का 3 बजे का जो समय होता है उस समय में व्यक्ति का अगर गहरी नींद में जाता है तो व्यक्ति की बॉडी डिटॉक्सिफाइड होती है। उस समय हमारे ब्रेन के न्यूरॉन जो डेड हो चुके हैं वो उस 4 घंटे के ड्यूरेशन में क्या होते हैं, डिटॉक्स होते हैं। हमारे बॉडी के जितने सेल डेड हो चुके हैं दिन भर में वो 11 से 3 के समय में क्या होते हैं, हमारे बॉडी से डिटॉक्स होते हैं। लेकिन व्यक्ति आज सोने का समय क्या हो गया हमारा, रात्रि में 2-2 बजे तक 3-3, 2.5 बजे तक नहीं सोते हैं और सुबह 11 बजे तक नहीं उठते हैं, 10 बजे तक नहीं उठते हैं। तो वो जितने डेड सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितने डेड न्यूरॉन होते हैं वो कैंसर का रूप ले